देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,16,919 हो गई है। कोरोना से अब तक 1,04,006 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 6,075 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में कोरोना के 9,304 नए मामले, तो वहीं 260 लोगों की मौत हुई है। सुल्तानपुर में सुरक्षा को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिशांसी अभियंता ने एसपी को पत्र लिखा है। कार्यालय में सुरक्षाकर्मी नियुक्त करने की मांग की है। साथ ही करीब 30 से 35 संदिग्ध लोगों के कार्यालय आने की भी जानकारी दी है। कार्यालय में संदिग्धों के आने से कर्मचारियों में भय की आशंका जताई जा रही है। हरिद्वार में प्रवासी कामगारों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन लखीमपुर स्टेशन पहुंची। इस दौरान प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद घर के लिए उन्हें रवाना किया गया। जेल में बंद कैदियों में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसको देखते हुए एटा जेल में बंद महिला कैदियों और जेल में महिला कर्मियों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। इस अभियान के पहले दिन 50 महिला बंदियों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 40 महिला बंदी और 10 महिला जेल कर्मियों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। जेल अधीक्षक पीपी सिंह ने कहा कि जयपुर, दिल्ली, मुंबई, आगरा की सेंट्रल जेल में कोरोना संक्रमण निकलने से एटा जिला कारागार में हड़कंप मच गया। जेल अधीक्षक द्वारा डीएम और सीएमओ को पत्र भेजकर कोरोना जांच की मांग की गई थी। उत्तराखंड में एक और कोविड 19 टेस्टिंग लैब बनकर तैयार हो गई है। इस लैब को आईआईपी ने तैयार किया है, जिसमें हर दिन 30 से 100 सैंपल की जांच होगी। वहीं अभी तक 4 टेस्टिंग लैब में कोरोना का टेस्ट होता था। लैब के उद्घाटन के मौके पर आईआईपी के निदेशक अधिकारी और शासन के अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर कार्यक्रम में मौजूद रहे। लखीमपुर में कोरोना का बम फटा है। हर दिन यहां कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता चला जा रहा है। लखीमपुर खीरी में अब तक 71 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा राज्य के फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कोरोना आयुर्वेदिक किट देने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत हल्द्वानी में जिलाधिकारी समीन बंसल ने जिले के फ्रंटलाइन वर्कर्स, आशा, एएनएम, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और यह आयुर्वेदिक किट वितरित की। ये बताया गया कि यह आयुर्वेदिक किट इम्यूनिटी बढ़ाती है, जिससे कि कोविड 19 के संक्रमण से बचा जा सकेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि पहले चरण में यह फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिल रही है, उसके बाद इन्हें बड़े पैमाने पर वितरित किया जाएगा। हरदोई में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। 11 नए मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या अब बढ़कर 90 हो गई है। वहीं 21 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। अभी भी कोरोना के 69 एक्टिव केस हैं। बिना पास के मथुरा से बद्रीनाथ जा रहे 5 लोगों को पुलिस ने देवप्रयाग में पकड़ लिया। पुलिस ने उनके खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज करते हुए उनका वाहन सीज कर दिया। ये लोग देहरादून का पास बनवाकर बद्रीनाथ जाने का प्रयास कर रहे थे। सभी लोगों पर आपदा प्रबंधन व महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा कायम करते हुए वाहन सीज किया गया है। शाहजहांपुर में मास्टर ट्रेनर ने मेडिकल कॉलेज के विशेष कर्मचारियों को कोरोना वायरस की जांच करने के लिए ट्रेनिंग दी है, जिसमें उन्हें जांच करने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अब जांच के लिए सैंपल लखनऊ नहीं भेजे जाएंगे, बल्कि यहीं पर सभी की कोरोना की जांच आसानी से हो पाएगी। हमीरपुर जिला महिला अस्पताल में एक महिला के प्रसव के कुछ ही घंटों बाद उसे अस्पताल से बाहर करके उसे घर जाने के लिए बोल दिया गया। मजबूरन महिला अपने नवजात को लेकर कई घंटों तक एक चबूतरे पर लेटी रही। जब महिला के परिजनों ने एम्बुलेंस को फोन किया तो अस्पताल वालों ने महिला को घर छोड़ने से मना कर दिया। चंपावत के बनबसा बैरियर पर ड्यूटी कर रहे दरोगा, कांस्टेबल, डॉक्टर और एक अन्य कर्मी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। कोरोना के चलते चंपावत बॉर्डर पर प्रशासन की मुस्तैदी फिलहाल गायब दिख रही है। मेडिकल टीम के मौके पर ना होने से थर्मल स्क्रीनिंग भी नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों में कोरोना का खतरा ज्यादा बढ़ गया है।
कोरोना महामारी को लेकर किए गए लॉकडाउन और राज्य में तेजी से बढ़ते संक्रमण पर कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर दिख रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री रात 8 बजे ही क्यों फैसले लेते हैं। प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड की सरकार को पिंजरे में कैद बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण सरकार के हाथ से निकलता दिख रहा है। चारधाम यात्रा शुरू करने पर तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे हैं। 8 जून से शुरू हो सकती है चारधाम यात्रा। वहीं तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि कोरोना को देखते हुए सरकार फिर से विचार करे। साथ ही पुरोहितों ने चारधाम यात्रा को टालने की बात कही है। हालात सामान्य होने तक यात्रा पर रोक की बात उन्होंने कही है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण पर सियासत जारी है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड सरकार पर तंज कसा है। तंज कसते हुए कहा है कि मंत्रियों को लो रिस्क में बताना सरकार की नई खोज है। मंत्रियों को लो रिस्क कैटेगरी में बताने का तर्क समझ से परे है। नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। कमर्शियल विभाग में काम करने वाले कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। एहतियातन विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कुछ दिन की छुट्टी दे दी गई है। घर से काम करने को कहा गया है। कमर्शियल विभाग समेत आसपास के विभागों को सील कर दिया गया है। सैनिटाइजेशन का काम पूरा होने के बाद ही कर्मचारी दफ्तर आ सकेंगे। नोएडा सेक्टर 6 में स्थित है नोएडा प्राधिकरण का दफ्तर। सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत ने सफाई दी है। बंसीधर भगत का कहना है कि किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि उससे कोरोना वायरस है। सतपाल महाराज जी से मिलने कोई भी पहुंचा तो लेकिन इसमें उनकी क्या गलती है। गलती तो तब मानी जाती है जब किसी को कोरोना वायरस के संक्रमण की जानकारी हो और उसके बाद भी वह लोगों से मिले, तब कार्रवाई का प्रावधान है। लखनऊ स्थित पीजीआई प्रशासन ने कोरोना वायरस के लिए एक जांच किट विकसित करने का दावा किया है। पीजीआई का दावा है कि इस किट में महज 30 मिनट में वायरस की जांच संभव होगी। ऋषिकेश में कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एम्स के कोविड एरिया में बेड की संख्या 100 से बढ़ाकर अब 200 कर दी गई है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के दौरान मरीज के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम उपकरणों को भी तैयार रखा गया है। जरूरत पड़ने पर इन बेड की संख्या में एम्स और इजाफा कर सकता है। एम्स प्रशासन का कहना है कि संस्थान के चिकित्सकों की टीम इस महामारी में किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाएं कुछ पीछे हट गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सेना 2 किलोमीटर और भारतीय सेना अपनी जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटी है। यहां के फिंगर फोर इलाके में कई हफ्ते से दोनों देशों की सेना एक दूसरे के सामने डटी हुई है। भारत ने 53 दवाओं के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने का प्लान तैयार कर लिया है। मोदी सरकार ने इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम को नोटिफाई कर दिया है। अभी ऐसी ज्यादातर दवाओं के एपीआई या अन्य दवाएं चीन से आयात किए जाते थे। टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस साल भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु देश के 10 टॉप पोजीशन में से है। वहीं ग्लोबल रैंकिंग में इसको 36वां स्थान मिला है। इसके अलावा भारत के 8 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान भी टॉप 100 की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। वहीं संस्थानों की संख्या 2016 के बाद से यह अब तक का भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। कोरोना वायरस को लेकर चीन और अमेरिका के रिश्तों में तलखी बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ अब एक और अहम कदम उठाया है। ट्रंप प्रशासन ने चीन से आने वाली सभी उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। ये रोक 16 जून से लागू होगी। अमेरिका के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसकी घोषणा की। इस फैसले के बाद चीन की उड़ानें अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का आज जन्मोत्सव है। संघ और ट्रस्ट के सदस्य करेंगे उनसे मुलाकात। आरएसएस सरकार व्यह भवा जोशी और जगत गुरु वासुदेवानंद सरस्वती भी मिलेंगे और उपस्थित रहेंगे।
अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। ऐसे में संतों ने भूमि पूजन के मौके पर पीएम मोदी को भी निमंत्रण भेजने की तैयारी की है। महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने बताया कि भूमि पूजन की तैयारी पूरी हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि महंत नृत्य गोपाल दास पीएम मोदी से बातचीत करेंगे और उन्हें भूमि पूजन पर बुलाएंगे। अयोध्या ढांचा विध्वंस मामले में आरोपियों का बयान आज सीबीआई के स्पेशल कोर्ट दर्ज करेगी। विनय कटियार समेत 7 लोगों की गवाही होनी है। मुरली मनोहर जोशी, एलके अडवाणी, साध्वी प्रश्नभरा पेश नहीं होंगे। अलीगढ़ में 20 वर्षीय युवक का रोड पर शव पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। कल सुबह से युवक लापता था। जेब में रखी 14,000 रुपए की नकदी भी गायब थी। पटना के बाहर परिजनों का रो रो के बुरा हाल हो गया है। युवक के सर में गंभीर चोटें के निशान है। कानपुर देहात में 2 पक्षों के विवाद के बाद एक घर में आग लगा दी गई। दोनों तरफ से 8 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रुपए के लेन देन में यह विवाद हुआ है। मंगलपुर थाना क्षेत्र के बहावलापुर गांव की यह घटना है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई, वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। संभल में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक पशु तस्कर गिरफ्तार हो गया। 2 तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग भी की थी। फायरिंग में एक सिपाही घायल हो गया। अलीगढ़ में बाइक सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर दिया है, वहीं 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों के पास से 12,41,000 रुपए बरामद किए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में सभी जिला अदालतों को पूरी तरह से खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। 8 जून से पूरी तरह से जिला न्यायालय खुलेंगे। पहले ग्रीन और ऑरेंज जोन की अदालतें खोलने के आदेश दिए गए थे। उसके बाद कंटेनमेंट जोन में भी अदालतें खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में 23 वर्षीय विवाहित की लाश मिली है। महिला की लाश घर में ही चारपाई पर ही मिली है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं महिला की मौत के बाद ससुराल वाले फरार हो गए हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और जांच में जुट गई है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता संजय अग्रवाल ने भाई ने खुदकुशी कर ली है। व्यवसायी अजय अग्रवाल ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। वहीं बीजेपी के विधायक और मंत्री भी घटनास्थल पर पहुंच गए। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में पुलिस के जवान ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सिपाही मनीत प्रताप सिंह सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी का गनर था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं एसपी सिटी अमित कुमार आनंद का कहना है कि सिपाही मनीत प्रताप सिंह ने निजी कारणों के चलते तनाव में आत्महत्या की है। बांदा में महिला ने 3 बच्चों सहित जहर खा लिया। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 11 महीने पहले पति ने भी जहर खाकर खुदकुशी की थी। बताया जा रहा है कि आर्थिक तौर पर महिला परेशान थी। नरैनी थाना क्षेत्र के मोतियारी गांव की यह घटना है। लखीमपुर खीरी में एक लेखपाल ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली। लेखपाल की आत्महत्या के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलने पर एसडीएम और पुलिस पहुंच गई और शव को कब्जे में ले लिया है। मौत की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है। कन्नौज में उत्पाती आवारा सांड से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सड़क पर खड़ी कार पर आवारा सांड चढ़ गया। कार मालिक कार छोड़कर भाग गया। बीच सड़क पर आवारा सांडों के बीच जमकर लड़ाई हुई। कई दिनों से इलाके में आवारा सांडों ने दहशत फैला रखी है। राहगीरों का निकलना मुश्किल हो गया है।
गोरखपुर में खेत में पानी चलाने को लेकर विवाद में लोगों ने ईंट और लाठी और हॉकी से एक परिवार वाले के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें परिवार के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करके तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वेस्टइंडीज के तीन खिलाड़ियों ने अगले महीने होने वाले इंग्लैंड के तीन टेस्ट के दौरे पर जाने से इनकार कर दिया है। कोविड-19 महामारी के खतरे के बीच इन मैचों का आयोजन सुरक्षित माहौल में किया जाएगा। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने सीरीज के लिए 14 सदस्यीय टीम घोषित की है। बड़ौदा क्रिकेट संघ ने पूर्व भारतीय खिलाड़ी अतुल वेदादे को बड़ौदा की महिला टीम के कोच पद से बर्खास्त कर दिया है, लेकिन उनके निलंबन को वापस ले लिया है। कुछ खिलाड़ियों की तरफ से लगाए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद वेदादे को निलंबित किया गया था। गर्भवती हथिनी की मौत पर कॉमेडियन कपिल शर्मा इतने ज्यादा नाराज हो गए हैं कि उन्होंने उस हथिनी को न्याय दिलवाने की मांग उठा दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सभी से एक याचिका को साइन करने की अपील की है। कपिल शर्मा के मुताबिक ये सही वक्त है जब इन बेजुबान जानवरों को भी न्याय मिलेगा। लॉकडाउन में सुनील ग्रोवर लोगों को हंसाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। सुनील ग्रोवर इस बार रत्नागिरी नाम की लड़की के किरदार में नजर आ रही है। बड़े बालों वाला विग पहना हुआ है और सिर के ठीक ऊपर एक चोटी बनाई हुई है। पिंक कलर का टॉप पहनकर, बालों में लिपस्टिक लगाकर और आंखों पर आई साइड वाला चश्मा लगाकर सुनील ग्रोवर ने बिल्कुल किसी नखरी लड़की सा लुक ले लिया है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों परिवार संग समय बिता रही हैं। हाल ही में आलिया की बहन शाहीन ने आलिया भट्ट संग क्यूट सी फोटो शेयर की है। सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट की इस तस्वीर को काफी पसंद किया जा रहा है। इस फोटो पर रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर ने स्वीट सा कमेंट किया है। रामानंद सागर की रामायण में सीता का रोल में दिखी दीपिका शिखलिया इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी डिटेल्स फैंस के साथ साझा कर रही हैं। पति संग लव स्टोरी, शादी और हनीमून की बातें शेयर करने के बाद दीपिका ने अपनी बेटियों के बारे में बताया है। दीपिका शिखलिया ने इंस्टाग्राम पर अपनी दोनों बेटियों की खूबसूरत तस्वीर शेयर की है।